तो चलिए, हार में हारा कौन? कांग्रेस में कोई भी हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बहरहाल रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीषा यादव का, जो हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है दिल्ली से। मनीषा, दिल्ली में आज गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में एक अहम कांग्रेस की बैठक भी आयोजित की गई है, और स्पेशली ये बैठक हरियाणा कांग्रेस के लिए आयोजित की गई है, जहां पर विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। तमाम बड़े नेता मंत्री यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्या माहौल है फिलहाल? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को, कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे बैठक चल रही है कांग्रेस को, और क्या लगता है क्या कुछ बदलाव कांग्रेस में करने की जरूरत है? एक एक चलिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 की अगर हम बात करें, और बीजेपी पार्टी 47 सीटों पर, और वोट प्रतिशत की बात करें तो करीब 33.2%। वहीं इनेलो की बात करें तो 19 सीट और वोट प्रतिशत करीब 24। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 20.1 था। वहीं अन्य की बात करें तो 9 सीटें अन्य के खाते में गई और 22.1% वोटिंग करा। तो 2014 की ये स्थिति है जहां बीजेपी 47 सीटों के साथ सत्ता में आई, इनेलो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 19 सीटों के साथ बनी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटें और अन्य जितने भी हैं वो 9 सीटों के साथ हरियाणा में उन्होंने जीत प्राप्त की। तो वहीं इस बार 90 सीटों में से 80 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी दावा कर रही है कि वो जीत कर लेकर आएगी। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल है उनका यही कहना है, अन्य विपक्षी दलों का ये कहना है कि लोकसभा चुनावों का कोई असर विधानसभा चुनावों पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। तो लगातार जो गुट हैं कांग्रेस में बने हुए वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हुड्डा गुट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जिला ब्लॉक स्तर पर बूथ स्तर पर संगठन खड़ा ही नहीं किया गया, इसलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वहीं तंवर गुट का यह कहना है कि जिला और ब्लॉक प्रधारों की लिस्ट कई बार बनी लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी। यहां उनका इशारा सीधे तौर पर खुद के दलों के नेताओं को विभिन्न पदों पर रखने का है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते लिस्ट बनी लेकिन किसी को भी पदभार नहीं दिया गया, पद ग्रहण नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से न ब्लॉक स्तर पर कोई टीम बनी न बूथ स्तर पर कोई टीम बनी, जिस वजह से जनता तक शायद सीधे पहुंचने में, जनता तक पैठ मजबूत करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर रह गई और इस चुनाव से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। तो लगातार हुड्डा गुट हो चाहे तंवर गुट हो, सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं जिस तरह अवतार भडाना का भी बयान हमारे सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी सिर्फ अपने लिए चुनाव लड़े, एक दूसरे की उन्होंने मदद नहीं की और इस वजह से ही कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं हो पाया, जिस वजह से करारी हार का मुंह देखना पड़ा कांग्रेस को हरियाणा। तो बता दें आपको कि हार की जिम्मेदारी लेने के लिए हरियाणा कांग्रेस में कोई भी तैयार नहीं है। हार कर भी हारा कौन, यही सवाल लिविंग इंडिया न्यूज ने भी उठाया है और जनता भी उठा रही है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि कांग्रेस अगर हारी है तो इसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से लगातार मंथनों का दौर जारी है, कई बैठकें की गई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी बैठकें की, समीक्षा की, लेकिन इस बात का उत्तर निकलकर सामने नहीं आ पाया कि कांग्रेस अगर हारी है तो वो क्यों आ रही है। कांग्रेस की महत्वपूर्ण सीट है सोनीपत सीट की, अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा